बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आर नरिशमेंट। ओके, इट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, हमारे पास जो न्यूट्रिशन है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ एक्टिविटीज में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अक्सर इस तरह करते हैं कि हम कहते हैं कि हमें फला बीमारी है। ठीक है, और हम अपना खुराक सही जो है उसका जो है प्रॉपर सी यूज नहीं करते। ठीक है, या जब हम खुराक खाते हैं उसी खुराक नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जज करना है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसकी मैदा खराब है। फॉर एग्जांपल अगर वो स्पाइसी फूड खाता है, फॉर एग्जांपल वो समोसा खाता है, ठीक है, या बिरयानी, तो ऑटोमेटिकली इसके बॉडी पर कोई असर तो होगा ना। तो अगर हम अपना खुराक प्रॉपर रखेंगे, ठीक है, तो हमारा जो वजूद होगा, हमारा जिस्म होगा, वो क्या होगा, वो हेल्दी होगा, एक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन हम क्या खाते हैं, हम खाना खाते हैं, ठीक है, हमें पता नहीं चलता कि हमें कौन सा खाना खाना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं न्यूट्रिशन की तरफ, आप नरिशमेंट। ओके, तो इनकी मुख्तलिफ डेफिनेशन है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ फूड एंड इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। फूड्स, तो हमारे पास मुख्तलिफ फूड्स है। ठीक है, अगर हम प्लांट्स की साइड पर जाए, ठीक है, तो प्लांट्स जो है उसको भी खुराक की जरूरत होती है। ठीक है, और उनसे फिर हम खुराक हासिल करते हैं। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, हमारे पास जो है न्यूट्रिशन में क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन में हम खुराक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो खुराक है और जिस्म पर उसके क्या असर आते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सेकेंड रिलेशन ये है द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड। खुराक किस तरह तैयार होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ठीक है, खुराक है, ये किस तरह तैयार होता है, प्रिपेयर आर ऑब्टेन या इट इज ब्रेक डाउन यूटिलाइजेशन फॉर वेरियस फंक्शन इन द बॉडी सर, कि बॉडी की प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए खुराक की अहमियत है कि हमारा बॉडी हेल्दी होगा, एक्टिव होगा, हम प्रॉपर ग्रोथ करेंगे। ठीक है, हमारा मेटाबॉलिज्म सही तरीके से होगा, हमें बीमारी जो है वो बीमारी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर हमारा खुराक क्या हो, सही हो, तो हमारा जो नरिशमेंट होगा, ठीक है, नशोनमो क्या होगा, वो बेस्ट होगा। ओके, the process in which food is obtained are prepared and absorbed and converted into body substances of our growth and energy. So basically hum khurak jo hai human ke liye jo fuel hai wo kya hai, food hai. To food ke bare mein jitna bhi hum study karte hain, theek hai, wo kis tarah taiyar hote hain, theek hai, kaun se zariye se hum hasil karte hain, theek hai, kis tarah istemal karte hain, theek hai, iska breakdown kis tarah hota hai, iski body par kya asraat hoga, theek hai, बॉडी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा अगर हमारा खुराक सही है। सो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे किस चीज में, न्यूट्रिशन में। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और खुराक में जो कंपोनेंट्स होते हैं, या कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अगर हम इजी आसान डेफिनेशन अगर आप लोगों ने करना है, सो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, तो न्यूट्रिएंट क्या है, हमारे पास जो खुराक में फूड में जो सब्सटेंस जो है या कंपोनेंट्स है, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो न्यूट्रिएंट हमारे पास क्या होगा, दीज आर द एलिमेंट्स, ये हमारे पास एलिमेंट्स होगा या कंपाउंड्स होगा, ठीक है, दैट आर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूजेस फॉर एनर्जी सोर्स। बेसिकली हमारे पास क्या है, एनर्जी सोर्स आर फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल्स। ओके, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट हमारे पास न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, फैट्स है, हमारे पास कंपाउंड्स है, तो ये कंपाउंड्स किस चीज से बनते हैं, एलिमेंट्स से बनते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब हम आते हैं, हमारे पास टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आपके बुक में सबसे जो आप पहला टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो इसका डेफिनेशन ये होगा कि प्लांट्स न्यूट्रिएंट इज द स्टडी ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स इन कंपाउंड नेसेसरी फॉर व्हाट, फॉर प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। प्लांट्स के ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, एलिमेंट चाहिए, कंपाउंड चाहिए, ठीक है, प्लांट्स के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, हमारे पास बहुत कंपाउंड है लेकिन सारे रिक्वायर्ड नहीं होते। ठीक है, जो एलिमेंट्स या कंपाउंड रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स के प्रॉपर ग्रोथ के लिए या मेटाबॉलिज्म के लिए, दिस इज कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और प्लांट्स हमारे पास किधर होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल। हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं किधर होते हैं, सॉइल में। ठीक है, बिकॉज सॉइल इज द रिजर्वायर ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। सॉइल हमारे पास क्या है, जखीरा है मेनी इंपॉर्टेंट क्या, न्यूट्रिएंट्स के। ओके, दिस इज द रिजर्वायर ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स बिकॉज प्लांट्स आर एंकर इन द सॉइल। प्लांट्स किधर होते हैं, सॉइल में। क्यों होते हैं, बिकॉज दे आर द इंपॉर्टेंट व्हाट, इंपॉर्टेंट व्हाट, रिजर्वायर, रिजर्वायर ऑफ व्हाट, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। हमारे पास जितने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो उधर क्या होता है, जखीरा होता है। ठीक है, जब हम टेलिंग करते हैं, हल चलाते हैं, तो हम प्रॉपर ऑर्गेनिक
कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड देते हैं, क्यों? प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ठीक है। सो मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लांट्स हमारे पास क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। सो प्लांट्स हमारे पास बेसिकली ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स किसे कहते हैं, ऑटो मीन सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन हमारे पास नरिशमेंट। ओके, ऑटोट्रॉपिक द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इन द प्रिंस सपोर्ट हमारे पास जितनी ग्रीन प्लांट्स हैं, सम बैक्टीरिया, सयान बैक्टीरिया एंड ऑल एल्गी, दे क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, ये अपना खुराक खुद तैयार करते हैं इन द प्रिंस ऑफ सनलाइट। ओके, तो हमारे पास ये खुराक खुद तैयार करते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक। सो ऑटोट्रॉपिक हमारे पास क्या है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉपिक्स। फिर हम उन पर डिपेंड करते हैं, इसको हेटरोट्रॉपिक, हेटरो अदर ट्रॉपिक मीन नरिशमेंट, द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ओके, तो प्लांट्स हमारे पास क्या है, ये क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, और हम क्या, हेटरोट्रॉपिक्स ऑल एनिमल्स। ओके, एंड फंजाई, फंजाई भी हेटरोट्रॉपिक है, सम बैक्टीरिया दे आर आल्सो हेटरोट्रॉपिक। ओके, अब हमारे पास जो प्लांट्स है, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर थ्री इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है। तो ये किधर से लेते हैं, दे आर taken from carbon dioxide in water, okay, and the basis of quantity of nutrient। अब हमारे पास जो nutrient के जो है, अगर हम classification कर दे, ठीक है, तो हमारे पास nutrient classification जो है हम करते हैं, ठीक है, हमारे पास two types of nutrient हैं, and the basis of quantity of nutrients can be classified as, हमारे पास दो किस्म के nutrient हैं, ठीक है, macronutrient, okay, and micronutrient। macro नाम से आपको पता चलेगा, macro means large, macronutrient the types of nutrient which required for weapon in large quantity। प्लांट्स के लिए हमारे पास या एनिमल्स के जिसके लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट उसे कहते हैं जो हमारे पास ज्यादा मात्रा में लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, दिस इज कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट, उसका वेट भी ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आप लोगों ने ऑलरेडी बायो एलिमेंट्स पढ़े हैं, ठीक है, और हमारे पास ये मैक्रोन्यूट्रिएंट कितने हैं, 9 इन नंबर। ओके, इस टेबल में हम थोड़े से अभी थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, ऑलरेडी टेबल भी मौजूद है। मैक्रोन्यूट्रिएंट नाम से पता चलता है स्मॉल क्वांटिटी। अब हमारे पास माइक्रो मीन स्मॉल, द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट व्हिच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज इज कॉल्ड व्हाट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो अब हमारे पास कुछ न्यूट्रिएंट है, ठीक है, जो प्लांट्स को ज्यादा मात्रा में चाहिए, ओके, ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी बेस पर, अगर ज्यादा चाहिए तो दिस कॉल्ड मैक्रो, अगर कम चाहिए तो माइक्रो। ओके, आयरन, बोरान, दे आर 18 नंबर। ओके, अब हम आते हैं टेबल की तरफ, तो टेबल में ऑलरेडी आपको दिया है, अगर आपने बुक की तरफ देख ले, ठीक है, तो हमारे पास टेबल में मैक्रो न्यूट्रिएंट है और माइक्रो न्यूट्रिएंट। ओके, अब हम आते हैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, टेबल की तरफ आते हैं, हमारे पास टेबल 8.1, रोल ऑफ मिनरल एलिमेंट्स इन प्लांट लाइफ। ओके, हमारे पास जो है व्हाट इज द रोल, ठीक है, अब हमारे पास कौन से एलिमेंट है, ठीक है, और इसका क्या रोल है प्लांट लाइफ में, ठीक है, कि प्लांट लाइफ पे वो कौन कौन से अहम काम करते हैं, ठीक है। सो हम सबसे पहले आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट की तरफ। ओके, ये हमारे पास मिनरल एलिमेंट्स हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पहले तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, रोल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट लाइफ। तो अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, देयर आर द बैकबोन, यू नो द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके, दे आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद हम आते हैं फास्फोरस की तरफ। सो फास्फोरस जो है, व्हाट इज द रोल ऑफ फास्फोरस इन प्लांट लाइफ, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एटीपी, आप लोगों को पता है, अगर आप एटीपी को देख लें, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अगर हमारे पास देखें एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इसमें कितनी फास्फेट है, 3, तो इट्स मीन दैट देयर आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एटीपी, यू नो दैट एटीपी इज करेंसी ऑफ द लिविंग सेल। ओके, सेकंड वन इज न्यूक्लिक एसिड, आपको पता है कि हमारे पास जब एटीपी बनता है, ठीक है, तो हमारे पास उसमें क्या होता है, हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है, इसका यूनिट न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। सो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड हमारे पास कौन कौन से, डीएनए, आरएनए, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, मोनो न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड, पॉली, डीएनए, आरएनए, फिर हमारे पास ये फास्फोरस जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। कोएंजाइम है हमारे पास, इट इज नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, जब हम सीड जर्मिनेशन, जर्मिनेशन किसे कहते हैं, ओके, द प्रोसेस इन विच रेडिकल अराइज फ्रॉम सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ओके, जब हम सीड्स को क्या करते हैं, ओके, जब सीड से क्या निकलते हैं, रेडिकल, ठीक है, तो उस रेडिकल इस प्रोसेस में कौन हेल्प देते हैं, फास्फोरस, ओके, सो इंपॉर्टेंट एलिमेंट। और फोटोसिंथेसिस में हेल्प देते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन में भी हेल्प देते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं पोटेशियम की तरफ।
तो पोटाशियम जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पावर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग में कौन मदद देते हैं? पोटाशियम। ओके, पोटाशियम आयन या पोटाशियम एलिमेंट रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स। ओके, इंशाल्लाह हम 9 चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में ये चीजें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सल्फर, तो आप लोगों को पता है कि प्रोटीन का जो डेफिनेशन है, ओके, प्रोटीन का डेफिनेशन क्या है? कंपोजिशन के बेस पे जब हम डेफिनेशन करते हैं, ओके, हम कहते हैं कि हमारे पास अ टाइप ऑफ क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूल व्हिच मेड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सम टाइम सल्फर। ओके, विटामिंस एंड एंजाइम्स, कैल्शियम, कैल्शियम इज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज़ दे आर एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम देयर अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। मैग्नीशियम पार्ट ऑफ क्लोरो, आपको पता है कि अगर हम क्लोरोफिल को देखें, ठीक है, तो सेंट्रल पार्ट है क्लोरोफिल का, अगर फार्मूला देखें C55 H72O5N4Mg, तो it's mean that Mg is the central element of chlorophyll, it is important component of coenzyme A। Nitrogen, nitrogen the important part of amino acid, amino acid अगर आप लोग देखें, ठीक है, हमारे पास जो है किसका बनता है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, इधर हमारे पास अल्काइल और इधर हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास क्या है, important component इसमें मौजूद है, ठीक है, nitrogen। तो नाइट्रोजन इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ व्हाट, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड्स कॉल्ड प्रोटीन, 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड कंबाइन करके क्या चीज बनाता है, प्रोटीन। और क्या है हमारे पास बेटा, प्रोटीन, ओके, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स में भी आप लोग ऑलरेडी मैंने बताया नाइट्रोजन इज बेसिस जो होता है एडेनिन साइटोसिन गवानिन एंड थायमिन। ओके, एन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में ऑलरेडी आप लोगों को पता है, ठीक है, एन फोर, तो इसमें जो पाइरूवेट रिंग होता है उसमें नाइट्रोजन होता है। एंड एंजाइम्स, अब हम आते हैं किसकी तरफ, अब हम आते हैं हमारे पास जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सबसे पहले हम किसकी तरफ आते हैं, आयरन, ठीक है, तो आयरन हमारे पास क्या है, आयरन किस चीज में मदद देते हैं, आयरन हमारे पास मदद देते हैं क्लोरोफिल सिंथेसिस, क्लोरोफिल जब सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस, तो इसमें कौन हेल्प देता है, आयरन, मैंने कहा कि फंक्शन बताने ज्यादा नहीं बताना, ठीक है। दूसरा हमारे पास है माय डियर स्टूडेंट्स क्या चीज है, हमारे पास कॉपर, ओके, कॉपर हमारे पास क्या है, एक्टिवेटर ऑफ सर्टेन एंजाइम, ओके। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास है मैंगनीज, इट इज आल्सो एक्टिवेटर ऑफ मैंगनीज, एक्टिवेटर ऑफ सर्टेन एंजाइम। और हमारे पास क्या है, मोलिब्डेनम, ओके, सो मोलिब्डेनम जो है हमारे पास, molybdenum it is also important micro nutrient, okay, it is help in what beta, nitrogen fixation, this is mean nitrogen fixation, okay, nitrogen fixation ki kis kehte hai, nitrogen elemental form mein hota hai, jab hi hamare paas thunderstorming hota hai, theek hai, electrification hota hai, to is soil mein aate hai, to soil mein hamare paas plants hote hai jisko leguminous plants kehte hai, theek hai, for example matar wagaira log hai, kya kitne plant leguminous plants, इसके जो रूट होते हैं उससे उसको नूडल्स कहते हैं, ठीक है, जो स्वेलिंग पार्ट होता है उसमें बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रो हमारे पास नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया होता है, उस नाइट्रोजन को चेंज करते हैं नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, सो मोलिब्डेनम इस चीज में क्या देते हैं, मदद देते हैं। और हमारे पास क्या है, सोडियम, सोडियम इज आल्सो इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर व्हाट, फॉर प्लांट्स, ओके, सो इट इज हेल्प इन व्हाट, ऑस्मोटिक एंड आयनिक बैलेंस, हमारे पास ये चीज करते हैं, ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है उसमें मदद देते हैं, एंड दे आर आल्सो हेल्प इन आयनिक बैलेंस, ओके। और हमारे पास क्या है, और हमारे पास है माय डियर स्टूडेंट बोरान, ओके, बोरान इन्फ्लुएंस ऑफ, हमारे पास क्या है, इन्फ्लुएंस, ओके, कैल्शियम यूटिलाइजेशन, ओके, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये तीन जो हमारे पास क्या है, ट्रेस एलिमेंट है जो बहुत कम मिकदार में होते हैं, ठीक है, कोबाल्ट, ठीक है, हमारे पास और क्या है, हमने पढ़ा ऑलरेडी आयरन, ओके, कॉपर, मैंगनीज, ये तीन से हमारा, सॉरी ये फोर हो गया, ये फाइव, ये सिक्स, सेवन नंबर हमारे पास क्या है, हमारे पास एट है, सेवन नंबर पास कोबाल्ट, ये ट्रेस एलिमेंट है। So cobalt and help for beta, cobalt help देते हैं, trace required by nitrogen fixing organism, nitrogen fixing organism क्या है, bacteria है ना, मैंने आप लोगों को already बताया, जो हमारे पास leguminous plants होते हैं उसकी roots में होते हैं, उस roots को noodles कहते हैं, ठीक है, noodles, उसमें nitrosomonas and nitrococcus bacteria होता है, ठीक है। last one is zinc, activator of certain enzyme, zinc क्या है, activator of
certain enzymes. Okay, अब हम आते हैं किसकी तरफ, रोल ऑफ नाइट्रोजन. व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ओके फॉर प्लांट लाइफ. प्लांट गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स. अब प्लांट्स जो है एलिमेंटल फॉर्म में नहीं ले सकता, तो किस तरह लेंगे? तो हमारे पास ये लेंगे क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है, ये हमारे पास इसमें होता है नाइन टू या नाइट्रोजन होते हैं सिंपल ओके. तो ये नाइट्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में होता है तो प्लांट इसको डायरेक्ट नहीं ले सकता. तो ये जब जमीन पर आते हैं, ठीक है, तो जमीन पर हमारे पास कुछ प्लांट्स होते हैं जिसका नाम क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट्स. इसमें पले होते हैं मटर पली ओके, लोबिया वगैरह, ठीक है, उसकी रूट न्यूड्यूल्स होते हैं, उसमें बैक्टीरिया होता है, दे आर चेंज इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स. सो प्लांट्स गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, डायरेक्ट एलिमेंटल फॉर्म मीन्स इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन ओके. नाइट्रोजन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन. अगर आप लोग प्रोटीन को ले रहे, ठीक है बेटा, अगर हमारे पास हम प्रोटीन ले रहे हैं तो प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनते हैं. फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, और ये हमारे पास जो है हाइड्रोजन है, और ये अल्काइल ग्रुप है. तो इस साइड चेंजेस चेंज होता है, ठीक है, ये अमाइनो ग्रुप है तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन है. सो नाइट्रोजन जो है हमारे पास ये किस लिए गए, अमाइनो एसिड, और प्रोटीन का यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड. 20 different types of amino acid are combined together, they will form one protein. हमें समझ में आ गया कि हमारे पास जो है नाइट्रोजन is a major component of proteins. Hormones, hormone हमारे पास growth regulators है, उसकी भी important components है, chlorophyll. तो chlorophyll मैंने आपको already formula बताया, C55, H72, O5, N4NG. ठीक है, जो हमारे पास pyrrole ring होते हैं 4, ठीक है, pyrrole ring कितने होते हैं 4, इसके दरमियान नीचे भी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो होते हैं ये पायरोल में, इसमें नाइट्रोजन होता है. सो नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, विटामिन एंड एंजाइम एसेंशियल फॉर व्हाट, फॉर प्लांट लाइफ. नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, अगर नाइट्रोजन हमारे पास बेसिकली फर्टिलाइजर भी देंगे ना, फर्टिलाइजर में क्या होते हैं, नाइट्राइट वगैरह फर्टिलाइजर होते हैं, हम इंशाल्लाह इसके बाद डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है. फॉर मेजर स्टीम इन लीफ ग्रोथ, अगर आप स्टीम जबरदस्त तरीके से ग्रोथ करता है, लीफ जबरदस्त तरीके से ग्रोथ करता है, तो हमारे पास जो प्लांट्स पैदावार भी ज्यादा देगा, फ्रूट्स भी ज्यादा कर देगा, ठीक है. नाइट्रोजन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोफिल किस चीज से बनते हैं, हमारे पास बेसिकली नाइट्रोजन उसमें होते हैं, ठीक है, सो इसलिए हम कहते हैं कि दे आर इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, फॉर फोटोसिंथेसिस. नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग सेल ओके, ग्रोथ के लिए हमारे पास, ठीक है, रैपिड ग्रोथ के लिए, इंक्रीजिंग ऑफ सीड ओके, इसके लिए हमारे पास स्टीम ओके, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ व्हाट, क्रॉप्स. अगर हम क्रॉप्स की क्वालिटी अगर आप चाहते हो कि वो अच्छा हो, ठीक है, आपको क्वांटिटी या क्वालिटी, तो आप लोगों ने कौन सी फर्टिलाइजर दें जिसमें नाइट्रोजन. डेफिशिएंसी सिम्टम्स, अगर इसकी कमी आ जाए, कमी के अलावा क्या होंगे, ठीक है, रिड्यूस यील्ड्स. अगर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी आ जाए तो हमारे पास जो फ्रूट्स होगा वो कम पैदा होगा, ठीक है, फ्लावरिंग भी कम होगा, ठीक है, तो हमारे पास रिड्यूस यील्ड्स, आपके पास जो पैदावार होगा वो कम होगा. येलोइंग ऑफ लीव्स, नेक्रोसिस होगा. नेक्रोसिस क्या होगा, नाइट्रोजन जो है वो कम हो जाएगा, क्लोरोफिल फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट ऑफ क्लोरोफिल इसका नेक्रोसिस. मैग्नीशियम और नाइट्रोजन कमी हो, इसका होता है नेक्रोसिस. सो लीव जो ग्रीन होते हैं दे बिकम येलो. स्टंट ग्रोथ, स्टंट ग्रोथ क्या होते हैं, जो हमारे पास पौधे जो है वो क्या होते हैं, पस पौधे होते हैं, वो छोटे रह जाते हैं, ठीक है, वो बड़े नहीं होते. अगर हमारे पास नाइट्रोजन ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, कैन डिले. डिले क्या होता है, टाइमिंग पर वो जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं करता है, तो टाइम पर अगर फ्लावर फ्रूट नहीं होता तो जो यील्ड देगा, ठीक है, जिस तरह मौसम होगा, सीजन होगा, वो चला जाएगा, ठीक है, तो डिले में ताखीर हो जाएगा, ठीक है. तो हमारे पास नाइट्रोजन ज्यादा भी नहीं चाहिए और कम, प्रॉपर अमाउंट में देना चाहिए, ठीक है. रोल ऑफ मैग्नीशियम, अब हमारे पास व्हाट इज द रोल ऑफ मैग्नीशियम. सो मैग्नीशियम इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल. अब हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल. अगर आप क्लोरोफिल को देखें, हमारे पास फोर पायरोल रिंग इधर होते हैं, 1, 2, 3, 4, और सेंटर में क्या होते हैं, मैग्नीशियम ओके. सो मैग्नीशियम इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ व्हाट, क्लोरोफिल, बिकॉज क्लोरोफिल फॉर्मूला क्या है, C55 H72O5N4NG. इनसे क्रिटिकल इधर निकलते हैं, एक क्रिटिकल इधर निकलता है, ठीक है, ये हमारे पास रूट होता है और ये स्टेम. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन.
जब आप सीड लेते हैं स्पर्म में इनएक्टिव होता है, जब आप सेल में क्या करते हैं उसमें ओके okay? तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें रेडिकल न्यूक्लियस पुरस्कार सीड जर्मिनेशन ओके okay? अगर मैग्नीशियम तो सीड जर्मिनेशन जल्दी करेगा और हमारे पास प्लांट क्या करेगा, जल्दी ग्रोथ करेगा। अब हम आते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स की तरफ, कमी के अलावा अगर हमारे पास डेफिशिएंसी आ जाए किस चीज की, मैग्नीशियम की, काजी येलोइंग एंड वेल्टिंग ऑफ लीफ, हमारे पास लीफ क्या हो जाएगा येलो, वेल्टिंग इज कहते हैं द ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम ग्रीन टेंडर स्टीम ओके, द ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम ग्रीन टेंडर स्टीम इज कॉल्ड ओके, जब लीफ हमारे पास येलो होगा वो क्या होगा, गिर जाएगा, तो गिरने को क्या कहते हैं, वेल्टिंग ओके। और दूसरा क्या होगा, नेक्रोसिस, ये किसकी वजह से ये प्रोसेस होता है, येलोइंग एंड वेल्टिंग, नेक्रोसिस, नेक्रोसिस किसके लिए, द फॉर्मेशन ऑफ इनसफिशिएंट क्लोरोफिल, हमारे पास जो क्लोरोफिल फॉर्मेशन होता है वो फुल नहीं होता है ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम डिकेडिंग की वजह से, सो दिस प्रोसेस कॉल्ड नेक्रोसिस, और इसकी वजह से लीफ येलो होता है और वो उसका क्या हो जाता है, दे आर कासी वेल्टिंग, और इसकी वजह से फिर हमारे पास लीफ जो है प्रॉपर तरीके से खुराक नहीं मिलता, जब खुराक नहीं मिलता प्रॉपर फ्रूट नहीं देता, प्रॉपर फ्रूट नहीं देता तो हमारे पास यील्ड क्या हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा ओके। अल्लाह हाफिज, दिस टॉपिक इज इनफ फॉर द डे, इंशाल्लाह सेकंड टॉपिक में हम फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ेंगे।